योजनाओं की सौगात आदरणीय श्री गंभीर साहब राज्य निदेशक जी के तरफ से है, जो रूटसेट संस्थान उसको आगे लेकर चलेगी। मैं उनके बिहाफ पे ये घोषणा करता हूँ, जो 18 साल से 45 साल के जो भी युवा वर्ग हैं और रूटसेट संस्थान से जुड़ते हैं, उनको 25 लाख रुपए तक ऋण दिलवा के उनका स्वरोजगार स्थापित करने की जिम्मेदारी रूटसेट संस्थान की होगी। उसके लिए मैं गांव वालों से और आप सभी से आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पास पहुँचें। भारत सरकार की तरफ से आए हुए मुख्य अतिथि और समस्त ग्रामवासियों और मातृशक्ति को मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी मेरे गांव में मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, बेटी हैं, बहनें हैं, 18 से 45 वर्ष के बीच में, मैं पूरी कोशिश करूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, जितना मेरे से बनेगा मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा, यही मैं कहता हूँ और धन्यवाद सबका। हरियाणा सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है एक बहुत ही सराहनीय स्कीम है और इसके तहत जो देश में बेरोजगारी की समस्या चल रही है, सब रोजगार में जो सहायता मिलती है उसके बराबर तो हम समझते नहीं है किसी चीज़ को। सब रोजगार एक ऐसी चीज़ है, आदमी अपने बल पर अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। ज़्यादातर गाँवों में बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इस सब रोजगार योजना से हमारे देश का उत्थान होगा, गांवों का उत्थान होगा। राज्य सशक्तिकरण के लिए जो इन्होंने स्कीम चलाई है अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस स्कीम में हमारी नारी जो है ये भी हमारे से कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़े और जो है जैसे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके, किसी की तरफ मुंह देखना ना पड़े। जैसे लोन की बात इन्होंने कही तो लोन में ऐसा है कि लोन तो उतना ही लेना चाहिए क्योंकि देना भी होता है। तो ये 1845 स्कीम है, इसमें जो है लोन जो है जैसा भी जिस स्कीम है उसके तहत दिलवाया जाए ताकि जो है हमारे रोजगार बेरोजगार युवा हैं वे आगे चल सके और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सके। जय गांव के मजदूर व्यक्ति सरपंच का एवं हमारे प्रशिक्षणार्थियों को ऊर्जावान अपना वक्तव्य दें ताकि उनके भविष्य उज्जवल हो सके। और 37 वर्ष में तकरीबन 22,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं और उनमें से 70% से ज़्यादा लोगों को हम स्थापित भी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं CST न्यूज़ चतुर्दिशा टाइम्स और आज हम मौजूद हैं इकबालपुर गांव में। गुड़गांव के इकबालपुर गांव में आज एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। क्या कार्यक्रम हो रहा है आइए जानते हैं आज का आयोजन। आज का कार्यक्रम यह है जो भारत सरकार के तरफ से 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक नारी सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा है, जिसमें इकबालपुर के स्व सहायता समूह की महिलाएं और अन्य महिलाओं को लेकर एक जूट प्रोडक्ट उद्यमी जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आयोजित किया है।